तो अभी फिलहाल दोस्तों हम लोग आधा रास्ता ट्रेवल कर चुके हैं। तो अभी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा आपको सिनेमैटिक शूट मिला होगा जो कि वैली का था, खतरनाक लग रहा था। तो बस यहाँ से अब 7 किलोमीटर है पतरातू, तो बस अब हम लोग बस 5 से 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो यार उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। तो यहाँ अभी मैं आपको एक बार कैमरा टर्न करके यहाँ का व्यू पॉइंट दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट यहाँ से आ रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों, इधर आप इधर स्क्रीन देखो तो आज पूरा ओस और इधर ये पहाड़ है, इधर क्लियर थोड़ा नहीं दिखा होगा लेकिन भी बहुत खतरनाक। और ये पूरा हाईवे, इधर मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ, इधर ये अपना भाईवा जो वीडियो देख रहा है वीडियो शूट करने के बाद। तो ये बहुत ही मस्त वीडियोग्राफर है, तो इसका हम नाम को रिवील कर देंगे अपना डिस्क्रिप्शन में, पता चल जाएगा। तो आज का ये पूरा वीडियो यही बना रहा है, देख सकते हो उसका हाथ में ट्राइपॉड और फोन होगा। तो जितना भी अभी आपने मोटो ब्लॉग सब देखा वो यही शूट कर रहा था। और एक बार अब थोड़ा इधर भी दिखा लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पतरातू वैली पूरा पार कर चुके हैं और नीचे आ चुके हैं। तो जैसा कि आपने देखा काफी तगड़ा, मतलब ये था पूरा पतरातू वैली का जो व्यू था बहुत ही खतरनाक। देखो हेलो, पूरा पतरातू से नीचे खड़े हैं और मेरे जो दो दोस्त हैं वो तीन दोस्त अभी ऊपर जा चुके हैं, मतलब वो लोग पहले ही ट्रैवल करके। तो अभी मैं साथ ये दोस्त आया जो आज पूरा ये शूट कर रहा है, तो इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में रिवील कर दूंगा। अच्छा भाई, बहुत अच्छा वीडियो बनाता है। तो अभी इससे पहले जो आपने ब्लॉग देखा होगा जिसमें राइड हो रहा था, तो वो इसी भाई ने शूट किया है। तो अभी मैं आपको यहाँ का पूरा बहुत ही सॉलिड व्यू पॉइंट आ रहा है, मतलब जो बादल है ना पहाड़ को पूरा टच कर रहे हैं। और हालांकि फ़ोन से उतना क्लियर आएगा नहीं, लेकिन भी मैं आपको बता दूं कि अगर देखने वाला का ब्यूटीफुल नज़रिया होगा ना तो पक्का आप यहाँ का ब्यूटी, मतलब जो ब्यूटी है उसको पक्का आप देख पाओगे, यहाँ का नेचर का ब्यूटी। पतरातू का कुछ बात ही अलग है। तो मैं अभी आपको कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे देखो बादल कैसे पहाड़ को टच कर रहा है, पूरा खतरनाक टच कर रहा है। और ये रोड, और देखो अब इधर मैं आपको साइन बोर्ड थोड़ा दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग पतरातू के एंड में खड़े हैं, पतरातू वैली के एंड में। तो यहाँ से अभी मतलब पतरातू जो मेन है वो अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है, फिर इधर रामगढ़ है 32 किलोमीटर, और बोकारो है 17 किलोमीटर, और इधर हजारीबाग है 77 किलोमीटर। और अगर हम लोग वापस इधर जाएंगे तो इधर रांची की ओर चले जाएंगे, और इधर आगे ही है, मतलब आगे ही जाके थोड़ा सा है ये पतरातू वैली पूरा। और देखो उधर से अभी गाड़ी उड़ी भी आ रहा होगा, इधर दिख नहीं रहा। और ये पूरा इधर का नज़ारा है, पूरा बादल पहाड़ को टच कर रहा है, काफ़ी व्यू सुंदर आ रहा है। और ये कोई छोटा सा नदी है जहाँ पर अभी पुल पर हम लोग खड़े हैं, और इधर से ये गाड़ी आ रहा है। निंजा पक्का निंजा है, तो आने दे, एग्जॉस्ट सुनाई तो दे रहा है। डोमिनार 400 है, एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट खोल दिया है आप भी, लेकिन कोई सुपर बाइक है बेस्टी का, सुपर बाइक के नाम पे KTM सब लेके आता है साला। अबे हार्ले का नया बे एवेंजर को हार्ले में मॉडिफाई किया, कि हार्ले ही है। अरे निंजा आया निंजा जा रहा है। अभी 400 सीसी है, हाँ तो निंजा 400 सीसी।
तो दोस्तों देखा कैसे आपने, मतलब सिंपल बाइक्स का एग्जॉस्ट लगाया गया था या फिर एग्जॉस्ट खोल दिया गया था, तो वो सुपर बाइक्स की तरह आवाज कर रही थी, लेकिन बीच में एक बार निंजा 400 हम लोग को देखने के लिए मिला। और ये पीछे कौन सा गाड़ी है, निंजा है कार? आरएस है साला। आजकल हर गाड़ी को इतना पैरोट ग्रीन में कलर कर देता था कि एक बार के लिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो मतलब देखा ना आपने कैसा निंजादार था, बहुत खतरनाक सॉलिड लग रहा था। तो अब यहाँ पे फोटो वोटो शूट चल रहा है, तो देख सकते हो इधर ये रहा पब्लिक फोटो शूट। टिकटॉक नहीं बना रहा है, फोटो शूट कर रहा है, टिकटॉक कोई नहीं बनाता है, इसीलिए इस पे मत फरमाइएगा, वो स्लोमो में वीडियो निकलेगा। तो काफी ज्यादा यहाँ पे मजा आ रहा है, तो अभी थोड़ा देर और यहाँ पे वेट करते, उसके बाद घर जाएंगे, मजा आएगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो एक बार मेरा थोड़ा हेयर स्टाइल बता देना, अभी परसों ही कट कर आया हूँ, काफी सॉलिड दिख रहा होगा। हेयर स्टाइल के बारे में पूछ लेना जरूरी होता है ना। तो एक पब्लिक रिएक्शन है, इधर हाईवा ऊपर जा रहा है, तो अभी हम लोग घाटी के बीचों बीच खड़े हैं। तो अब बस थोड़ा देर में अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे रांची के लिए। और ये जो पतरातू वैली पड़ता है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और रांची से 30 किलोमीटर लगभग इसकी दूरी है। तो इसके बाद अब आएंगे तो और तगड़ा सीन होगा, तब तक इसी से काम चला लेते हैं। और अभी थोड़ा मतलब मेरे दोस्त के फोन से, मतलब जितना भी मोटो ब्लॉगिंग शूट किया गया है मेरे दोस्त के फोन से किया गया, तो वहाँ से अभी मतलब इसमें ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद ना बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो दोस्तों यहाँ का जो व्यू पॉइंट है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है हम लोग को देखने में, काफी ज्यादा मजा आएगा। तो आप में से बहुत कोई जो होंगे वो तो पतरातू आए होंगे, और पतरातू के नाम पे तो एक अलग ही करेज जागूटता है अंदर से। मतलब पतरातू बोले तो रांची जैसा हार्ट ऑफ झारखंड है ना, वैसे ही पतरातू भी रामगढ़ का हार्ट है और झारखंड का भी हार्ट बोल सकते एक तरह से। तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है दोस्तों। तो आप ज्यादा देर यहाँ पे रहेंगे नहीं, क्योंकि फोटो शूट अब कराना है और फिर आप वापस घर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो फिर एक बार मैं आपको याद दिला दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना और शेयर भी जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों अब फाइनली अब हम लोग वापस जा रहे हैं, तो चलो अब फटाफट से चलते हैं।